मेरा नाम सूरज राठी है, मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है। उसे फोन पे बात हो गई थी, उन्होंने कहा था कि आ जाओ। आ गया। हाँ मिस्टर सूरज, आपका अपॉइंटमेंट है, आप कैबिन में जाके मिल लीजिए। धन्यवाद। आप यहाँ? हाँ, पर आप यहाँ सूरज? मेरे हस्बैंड है। ओ, बैठिए। सुनिए जी, मैं आप ही के बारे में बात करने आया था। मैं भी उसके बारे में बात कर रही थी सूरज जी। और डॉक्टर साहब ने कहा है कि हमें उस बारे में घबराने जैसी कोई बात नहीं है। मिस्टर एंड मिसेस राठी, आप लोगों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मिसेस राठी तो एक बहुत ही स्ट्रांग महिला हैं। देखिए कितनी जल्दी रिकवरी कर ली इन्होंने। जी। तो आप लोग फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। मेरा मतलब है 2-3 होने के बारे में सोच सकते हैं। अब डॉक्टर साहब, कोई आगे चल के कोई दिक्कत नहीं आएगी ना? नहीं मिस्टर राठी, कोई समस्या नहीं आएगी। एक किडनी के सहारे से एक औरत एक तंदुरुस्त जीवन जीने के अलावा माँ बनने का सुख भी बिना किसी प्रॉब्लम के उठा सकती है। बस आपको अपनी पत्नी की सेवा करनी होगी। हाँ, इसके लिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ। तो जाइए खुशी खुशी और जल्द से जल्द एक नए मेहमान को इस दुनिया में लाने की तैयारी में जुट जाइए। जी, धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। या ओके। अब तो आपकी सारी चिंता दूर हो गई ना? हाँ, क्यों नहीं, पर अब आपकी परेशानी शुरू। अजीब सा क्यों महसूस कर रहा हूँ? मुझे नॉर्मल रहना चाहिए, रोज की तरह। आपने कुछ कहा? नहीं तो सॉरी। उसका कोई एक पराया मर्द थोड़े ना हो। सुरक्षित भी पराया थोड़ी ना है, पति है। ऐसे बेवकूफ जैसे बर्ताव मत कर संध्या, बात करनी है। चल बेटा सूरज, हिम्मत तो तुझे ही करनी पड़ेगी। आंखें बंद कर 3 और निकल जा। 1-2-3
सूरज जी। हाँ बोले ना। छोड़िए ना, पट्टा मैंने जानबूझ के किया। नहीं नहीं वो मतलब अचानक फंस गया, मैंने कुछ नहीं किया। एक बुलबुल भाभो ने बोला है कि मम्मी को दूध के साथ बादाम जरूर खिलाने हैं, और हाँ वो गोंद के लड्डू खिलाना मत भूलना। रे बीने, थारी भाभी ने के दोनों टाइम दूध ना याद से लेवे, जच्चा और बच्चा की तंदुरुस्ती के लिए ना जरूरी होवे। बुलबुल मम्मी को ना दोनों टाइम दूध पिलाना है, ठीक है, भूलना नहीं। चल मैं रखती हूँ, भाभी का ख्याल रख। भाभो बुलबुल बहुत खुश है अपने घर में आने वाले नए मेहमान को लेकर। तो भाभी का ऐसे ख्याल रख रही है जैसे भाभी उसकी माँ नहीं, वो भाभी की माँ हो। घर में नया टा बनाने से ना कोने कोने में खुशी भर जाए। छोटी सी बुलबुल इतनी सी बात समझ सके, पर बुआ जी और फूफो जी पता नहीं कब समझेंगे। मुझे चाय पीनी थी, वो चाय पी लेती हूँ भाभो मैं। पानी आप बिना संध्या जी। लेकिन मुझे दूध नहीं पीना है। ये रहा दूध, मुझे चाय पीनी है सूरज जी। और ये रहे बादाम। क्यों भूल गई क्या? भाभी ने क्या कहा था कि दिन में दो चार बार दूध बादाम पीने से जच्चा बच्चा दोनों तंदुरुस्त रहते हैं। पर यहाँ भी जच्चा बच्चा वाली कोई बात नहीं है। अच्छा तैयारी तो अभी से करनी पड़ेगी ना, अगर तैयारी नहीं करेंगे तो कैसे होगा? क्योंकि बुलबुल के फूफा जी तो सीख गए, फूफा जी कब सीखेंगे? सूरज जी यकीन नहीं आता तो भाभू से पूछवा दूं। भाभो थारी बिंदनी थारे से कुछ पूछना चाहती है। मैं बोल भी नहीं के पूछ लो वो बाबू दही जमाना जमा दू क्या? दही रोज जमावे है ना, तो जमा दे। के हो रे मारा राम जी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।